तो RBI ने रिसेंटली HDFC बैंक पे क्रेडिट कार्ड इशू करने का जो एम्बार्गो लगाया था वो हटा दिया है, और HDFC ने ज़्यादा देर नहीं की है अग्रेसिव होने में, नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने में। और इसी सीरीज़ में उन्होंने एक नया रिसेंटली कार्ड लॉन्च किया है, HDFC इन्फिनिया मेटल एडिशन। ये इन्फिनिया कार्ड जो HDFC का टॉप टीयर कार्ड था पहले, उसका एक अपग्रेडेड वर्जन ही कह सकते हैं वो है। और अगर आप एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फिनिया यूज़र हैं तो चांसेस हैं कि आपको एक इनवाइट आ गया होगा अपने कार्ड को अपग्रेड करने में मेटल एडिशन में। तो क्या है मेटल एडिशन, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके कोई नुकसान है, अगर आप एक एग्जिस्टिंग इन्फिनिया यूज़र हैं क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए या नहीं, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है कि अगर हम इन्फिनिया कार्ड को देखें जो HDFC का पहले प्रीमियम कार्ड था, डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स इन इंडिया और सुपर प्रीमियम रिक्वायरमेंट्स भी थी इसकी एलिजिबिलिटी की, उसके बावजूद से काफ़ी बेसिक सा कार्ड दिखता था, एक सिंपल सा प्लास्टिक का कार्ड। और जो यूज़र जिन्हें प्रीमियमनेस कार्ड की फील करने के लिए एक मेटल कार्ड चाहिए होता है, उनके लिए शायद ये एक अच्छा अपग्रेड है, क्योंकि अब आपको एक ऑब्वियसली मेटालिक कार्ड मिल रहा है जो एक प्लास्टिक कार्ड से डेफिनेटली, जहाँ तक मेरा मानना है, बेटर और मोर प्रीमियम फील होगा। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है HDFC ने जो एनुअल फ़ी है वो भी बढ़ा दी है, और एनुअल स्पेंड है जो फी वेवर करने के लिए चाहिए होता है उसे भी बढ़ा दिया है। तो अब अगर हम फ़ी देखें इसकी तो वो है लगभग 12,500 रुपये पर एनम प्लस GST। जहाँ तक मुझे याद है इन्फिनिया में ये 10,000 रुपये पर एनम होती थी प्लस GST, तो 2,500 रुपये फ़ी इंक्रीज़ कर दी गई है। और अगर आप इस फी को वेव ऑफ करना चाहते हैं तो अब आपको 10 लाख रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे इंस्टेड ऑफ 8 लाख जो आपको इन्फिनिया में पहले करने पड़ते थे। तो उस हिसाब से देखें तो थोड़ा नुकसानदायी है ये, क्योंकि आपको ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे, और अगर आप नहीं कर पाए तो आपको जो फ़ी है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी इन्फिनिया के कंपैरिजन। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि अगर मैं HDFC की वेबसाइट पे जाऊँ तो इन्फिनिया हटा दिया गया है बिल्कुल ही, अगर मैं ढूंढने की कोशिश करूँ तो मुझे पुराना इन्फिनिया नहीं दिख रहा है और सिर्फ इन्फिनिया मेटल एडिशन मिल रहा है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि अब से सिर्फ इन्फिनिया मेटल एडिशन इशू होगा और इन्फिनिया कार्ड कम्प्लीटली डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। चलिए अगर हम रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात करें तो लगभग सेम स्ट्रक्चर है, अभी भी आपको 150 रुपीज़ के स्पेंड पे 5 पॉइंट्स मिलते हैं, और जहाँ तक मुझे टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने पढ़ी, मुझे कहीं ये नहीं दिख रहा कि जो स्मार्ट बाय ऑफर है जहाँ पे 10x या 5x पॉइंट्स मिलते हैं वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो जो बेस्ट पार्ट है ऑफकोर्स इस कार्ड का वो अभी भी कंटिन्यू है, इस तरह जो और बेनिफिट्स थे अराउंड लाउंज एक्सेस, गोल्फोर्स एक्सेस, वो सारी चीज़ें अब भी है। यहाँ पे HDFC ने कुछ नए फीचर्स भी दिए हैं, जैसे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपको 1+1 कॉम्प्लीमेंट्री बुफे मिलता है ऑन वीकेंड्स पार्टिसिपेटिंग ITC होटल्स पे, और 2+1 कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्स मिलती हैं पार्टिसिपेटिंग ITC होटल्स में अगेंस्ट। और जो सबसे बड़ा फीचर है जो मुझे नया दिख रहा है वो है कि अगर अब आपके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, पहले अगर आपको 1:1 रेशो का रिडेम्पशन चाहिए होता था तब सिर्फ फ्लाइट से होटल बुक कराने पे मिलता था, क्योंकि अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट इस तरह के वाउचर अगर आप अपने पॉइंट्स से लें तो काफ़ी ख़राब कन्वर्जन रेशो मिलता है। पर यहाँ पे अगर मैं देखूँ जो लिखा रहा है वो ये है कि अब से मेटल एडिशन पे आपको 1:1 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे अगर आप तनिष वाउचर या एप्पल प्रोडक्ट्स भी खरीदें। मैंने कुछ साइट्स पे पढ़ा, थर्ड पार्टी साइट्स पे, कि तनिष वाउचर्स का ये जो ऑफर है ये पहले भी था, और तो मुझे आज तक कभी नहीं दिखाया, तो मेरे लिए तो ये नई न्यूज़ ही है। पर एप्पल प्रोडक्ट्स डेफिनेटली एक नई चीज़ है, और ऐसे पैंडेमिक में जब हम इतनी फ्लाइट्स नहीं यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक टेंशन रहती है कि पॉइंट्स कहाँ स्पेंड करें। तो उस हिसाब से अगर आप एप्पल प्रोडक्ट्स खरीद पाए 1:1 कन्वर्जन रेशो के बेसिस पे, इवन अगर 70-30 वाला जो फैक्टर इनका फ्लाइट होता है वो भी हो, तो एक काफ़ी गुड मेरे ख्याल से एवेन्यू है अपने पॉइंट्स यूज़ करने का, और एक काफ़ी अच्छा एडिशन है। और फाइनली आपको यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लब मैरिट मेंबरशिप भी मिलती है पहले साल में अगर आप इस कार्ड में ऑपरेट कराएं। तो ये कुछ की बेनिफिट्स हैं, जैसे मैंने कहा कि इन्फिनिया कार्ड पे जो पहले से बेनिफिट्स हैं वो कंटिन्यू किए गए हैं, और ये कुछ और ऐड किए गए हैं। हाँ, एक चीज़ है कि अब से आपको जो डाइनिंग पे 2x पॉइंट्स मिलते थे वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, और 1 दिसंबर से ये सारे कार्ड्स पे ही डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, तो अब से आपको 2x डाइनिंग पॉइंट्स कहीं नहीं मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि शुड यू अपग्रेड टू मेटल एडिशन कार्ड इफ़ यू ऑलरेडी हैव एन इन्फिनिया कार्ड। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आपको लगता है कि आप 10 लाख रुपये आराम से साल के कर सकते हैं, कि आपको 12,500 रुपये फ़ी देने में इशू नहीं है, तो डेफिनेटली जाइए। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मुझे तो जो इसका बेनिफिट लगा वो ये है कि एप्पल प्रोडक्ट्स पे इसका 1:1 रिवॉर्ड पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी यूज़फुल है, और मेरे जानने वालों में कोई ना कोई एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदता ही रहता है, तो आई कैन डेफिनेटली सी माई सेल्फ यूजिंग दीज टू परचेज एन एप्पल प्रोडक्ट। बट अगर आपको लग रहा है कि 8 लाख भी आपको शुरू में इन्फिनिया पे ही मुश्किल होती थी और 10 लाख एक बहुत ज़्यादा चैलेंज है,
तो मैं बोलूँगा कि आप अपना कार्ड अपग्रेड मत करवाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम सेम है, उतने ही पॉइंट्स मिलते हैं जितने पहले मिल रहे थे, और अगर आप अपने एग्जिस्टिंग कार्ड पे ही स्टिक करें तो आप कुछ बहुत ज़्यादा खो नहीं रहे हैं मेटल एडिशन पे अपग्रेड ना करवा के। तो ये थे कुछ प्रिलिमिनरी एनालिसिस। ऑफ कोर्स आने वाले दिनों में हमें शायद थोड़ी और क्लैरिटी मिले कि क्या बेनिफिट्स हैं मेटल एडिशन की कंपेयर टू प्रीवियस कार्स और प्रीवियस इन्फिनिया कार्स, और अगर हमें कुछ पता चलेगा हम ज़रूर अपडेट करेंगे आपको। इन द मीनवाइल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ कोई वीडियो यूजफुल लगी हो, और इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस।